Assalamualaikum students, today I am here to discuss about the bacteriophage replication process. In the previous lectures we discussed about the viruses. In viruses we discussed about their characteristics, their definition, their classification, their general habits. Then we discussed about the bacteriophage. In bacteriophage we discussed about their definition, their attachment process and then to the characteristics. Then we discussed about their animal and plant viruses. In animal and plant viruses we discussed about the list of animal and plant viruses. But today we discuss about the bacteriophage replication process. In bacteriophage replication process we discuss general outlines such as bacteriophage replication and general characteristics. In bacteriophage replication and general characteristics we discuss about the lytic cycle and lysogenic cycle. Steps involved in the lytic and lysogenic cycle are just like that of them. In lytic cycle, general steps involved are adsorption, penetration, transcription, late protein, assembly process, releasing and then to the lysogenic cycle. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो बैक्टीरियोफेज हैं ये कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. किसके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं? नीडेड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन कोट. जब फेज इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को सो ये रेप्लिकेट करते हैं दो चीज़ों को, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोड्यूस करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट को. लेकिन ये काम अकेले नहीं करते, इनको ज़रूरत होती है प्रिकर्सर्स, एनर्जी जनरेशन एंड राइबोसोम जो सप्लाई करते हैं होस्ट सेल. देन अब जो वायरल इन्फेक्शन है, ये जो वायरल इन्फेक्शन का साइकिल है इनको डिवाइड किया गया टू उसमें टाइप्स में, लाइसोजेनिक साइकिल एंड देन टू द लाइटिक साइकिल. मेजर डिफरेंस बिटवीन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल इज द डीएनए रेप्लिकेशन. सबसे पहले स्टार्ट होता है लाइटिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल में डीएनए ओनली रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन लाइटिक साइकिल जैसे कि इसका नेम इंडिकेट करता है, लाइटिक मीन्स लाइसिस मतलब तोड़ फोड़ हो जाती है जो होस्ट सेल का स्ट्रक्चर होता है. सो इन द लाइटिक साइकिल डीएनए इज मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स एंड प्रोटीन आर फॉर्म यूजिंग प्रोसेस स्टोलन फ्रॉम द बैक्टीरिया. जो जब जो होते हैं ना लाइसोजेनिक साइकिल, ये सम टाइम हैपन होता है यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में और बैक्टीरिया में. और बैक्टीरिया आर मच बेटर अंडरस्टूड एग्जांपल्स. लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, किसी भी साइकिल को हमें स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि इसमें जनरल मेथड स्टेप्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमारे पास ये है बैक्टीरियल डीएनए. ये पूरा बैक्टीरियल का, ये हमारे पास है बैक्टीरियम और ये हमारे पास है बैक्टीरिया डीएनए. ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरियम. ये जो इसकी वॉल है ये है सेल वॉल. जो बैक्टीरियोफेज ये अटैच हो गए इसके सेल वॉल के साथ. ये है इसका वाइडर डीएनए. ये हमारे पास होस्ट सेल की मशीनरी है. देन ये है उसका अटैचमेंट प्रोसेस. देन वो अपना पेनिट्रेट करेगा, इंजेक्ट करेगा देयर वाइडर डीएनए इनटू द होस्ट सेल. अब जो ये डीएनए इंजेक्ट करेगा जब, तो टू साइकिल्स स्टार्ट होंगे, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल. इन द लाइटिक साइकिल डेथ ऑफ द होस्ट सेल अकर एंड इन द लाइसोजेनिक साइकिल द रेप्लिकेट डीएनए इज रेप्लिकेट. जो लाइटिक साइकिल होगा इसमें जब ये इंजेक्शन शो करेगा अपना वायरल डीएनए इंजेक्ट करेगा सो ये मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और प्रोटीन फॉर्म्ड होगी. और उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज ये कम्प्लीटली फॉर्म्ड होंगे, फिर अपना जो होस्ट सेल है उनके सेल वॉल को ये ब्रेक करेंगे और देन ये रिलीजिंग प्रोसेस शो करेंगे. बट इन द लाइसोजेनिक साइकिल जो डीएनए उन्होंने इंजेक्ट किया है, जो उसने वायरल ने बैक्टीरियोफेज है उसने अपना डीएनए इंजेक्ट किया है, ये उसकी होस्ट सेल की मशीनरी के साथ कंबाइन हो जाएगा, मींस स्पॉन्टेनियस इंडक्शन हो जाएगी. फिर ये उनके साथ प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगा, मींस वायरल स्ट्रक्चर शो करेगा. अब जो डीएनए होगा होस्ट सेल का, ये नॉर्मल फंक्शन वो फंक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा जो इसके थे, ये वायरल फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा. देन ये होल साइकिल है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल. अब हमने देखना है कि जो लाइटिक साइकिल है इसमें जनरल कौन सा प्रोसेस होता है, कि कैसे स्टार्ट होता है, कौन सी फेजेस इसको ये प्रोसेस को शो करती है. अब हमने नेम तो ले लिया, टी फेज शो करती है इस प्रोसेस को. अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी टी फेजेस हैं. टी फेजेस के भी मैंने पहले बताया टाइप्स है. अब उसमें है कि T1 through T7 आर रेफर टू एज अ लाइटिक फेज. इसको हमने लाइटिक फेज का नेम क्यों दिया है? क्योंकि ये लाइसिस शो करती है एंड डेथ होती है होस्ट सेल की. टी फेजेस का स्ट्रक्चर कंपोज होता है 3 कंपोनेंट्स में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्रोटीन कोट एंड देन टू द टेल.
जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एक्ट एज देयर जेनेटिक मटेरियल, जो प्रोटीन कोट होता है और कैप्सिड होता है इनके पास, और उसके बाद हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास है टेल। अब जो टेल स्ट्रक्चर है वो कंपोज होता है कोर, टेल शीट, बेस प्लेट, टेल पिन्स एंड टेल फाइबर्स, ऑल ऑफ विच आर कंपोज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। उसके बाद हमारे पास ये उसका जनरल स्ट्रक्चर आ जाता है, जो मैंने आप लोग को बताया ना कि इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है टीफेजेस का। ये हमारे पास डीएनए का आ जाएगा, ये हमारे पास कैप्सूल, टेल शीट, टेल कोर, टेल फाइबर्स, कितने टेल फाइबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास जनरल टेल स्ट्रक्चर है। अब हमने देखना है कि जो लाइटिक साइकिल है, ये तो हमने देख लिया कि कौन सी फेजेस ये प्रोसेस शो करती हैं, अब हमने देखने की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले जो टेल एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं ना बैक्टीरियोफेज के, ये इन्वॉल्व होते हैं इनके अटैचमेंट प्रोसेस के दौरान। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कोई भी फेज होगी बैक्टीरियोफेज, ये सबसे पहले अटैच होगी होस्ट सेल के साथ, और फिर ये सिक्योर करेगी अपनी एंट्री को वायरल न्यूक्लिकेस इनटू द होस्ट सेल, मतलब कि इंजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। अब हमने देखना है कि बिफोर वायरल इन्फेक्शन, आफ्टर वायरल इन्फेक्शन कौन से प्रोसेस होते हैं। बिफोर जो वायरल इन्फेक्शन होता है, सेल जो होते हैं इनके इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन में। किसकी रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन ऑफ इट्स ऑन डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। किस लिए होते हैं? फॉर इट्स ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू कैरी आउट बायोसेंथिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। अब ये तो हो गया कि जब उसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया, तो जो उसके जब डीएनए इंजेक्शन करने से पहले, मतलब अब उसने डीएनए इंजेक्ट किया है होस्ट सेल के दौरान, लेकिन उसके वो जो उसकी मशीनरी है उसको टेक ओवर नहीं किया, तब कौन से प्रोसेस है? उन्होंने उनका नेम लिया है कि ये होते हैं रेप्लिकेशन ऑफ इट्स ऑन डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन होगी एंड ट्रांसलेशन होगी इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कहते हैं जब इन्फेक्शन हो गया अब कौन से प्रोसेस होंगे, अब उसने कहा जो वायरल डीएनए है ये टेक ओवर कर लेगा उसकी मशीनरी को होस्ट सेल की, उसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये क्यों प्रोड्यूस करेगा? इनको ज़रूरत होगी फॉर न्यू वायरस पार्टिकल के लिए। देन उन्होंने कहा जो वायरल डीएनए है अब ये रिप्लेस हो जाएगा होस्ट सेल के डीएनए, पहले उसने उसकी मशीनरी को टेक ओवर किया, अब जो वायरल डीएनए है अब वो रिप्लेस हो जाएगा होस्ट सेल के डीएनए के साथ एज अ टेम्पलेट। किसके लिए होगा? फॉर बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जो वायरल डीएनए है वो रिप्लेस क्यों होगा होस्ट सेल के डीएनए से? ये एज अ टेम्पलेट होगा फॉर बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब वायरल मैसेंजर आरएनएस आर देन ट्रांसलेटेड यूजिंग द होस्ट सेल राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए एंड अमाइनो एसिड। अब ये चेंज हो जाएंगे इनटू अ वायरल प्रोटीन सच एज कोट और टेल प्रोटीन। सो जो प्रोसेस होगा डीएनए रेप्लिकेशन, सेंसेस ऑफ प्रोटीन एंड वायरल असेंबली, ये कैरी आउट होगा केयरफुली, कोऑर्डिनेटेड होता है एंड टाइम इवन होता है। मतलब सबसे पहले इसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा? मतलब सबसे पहले ये अटैच होगा, जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है ये अटैच होगा होस्ट सेल के साथ, होस्ट सेल के सेल वॉल के साथ, फिर ये अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा, मतलब पेनिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब ये इंजेक्शन कर देगा डीएनए, तब उन्होंने कहा कि बिफोर वायरल इन्फेक्शन, आफ्टर वायरल इन्फेक्शन कौन से प्रोसेस होंगे? जब बिफोर वायरल इन्फेक्शन होंगे जो सेल होंगे वो रेप्लिकेट करेंगे डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ द जनरल उसके जो टेम्पलेट स्टैंड होंगे उनको। अब उन्होंने कहा आफ्टर वायरल इन्फेक्शन क्या होगा? आफ्टर वायरल इन्फेक्शन वो कहते हैं काज करेंगे डीएनए, जो उनका टेक ओवर होगा वो इनकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा होस्ट सेल की, और ये यूज़ करेगा प्रोड्यूस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब उन्होंने कहा है कि जब ये तो प्रोसेस होगा आफ्टर इन्फेक्शन, अब उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस हमारे पास यूज़ भी होता है, यह वायरल डीएनए होगा ये रिप्लेस कर देगा होस्ट सेल के डीएनए को, होस्ट सेल के डीएनए को रिप्लेस कर देगा, उसके बाद जो वायरल मैसेंजर्स आरएनए होंगे ये आर देन ट्रांसलेटेड होंगे यूजिंग द होस्ट सेल राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए एंड अमाइनो एसिड। सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेंसेस ऑफ प्रोटीन एंड वायरल असेंबली इज केयरफुली कोऑर्डिनेटेड। सो ये हमारा जनरल प्रोसेस है कि कैसे ये लाइटिक साइकिल अपना शो करता है। अब हमने देखने के कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप वो है एडसॉर्प्शन, मीन्स ऐड होना या अटैचमेंट।
सो फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ द फेज इन इट्स होस्ट सेल इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन. जो ये फेज होती है पार्टिकल अंडरगो चांस कोलाइजन एट अ केमिकली कॉम्प्लीमेंट्री साइट बैक्टीरियल सरफेस एंड देन अडहेयर टू दैट साइट बाय मींस ऑफ इट्स टेल फाइबर. मतलब उनके कहने का मतलब जो इसका पहला स्टेप है ना रेप्लिकेशन का, वो है होस्ट सेल के साथ ये अटैच होना. उसके बाद जो इनके अंडरगो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये कोलाइजन होते हैं केमिकली एंड कॉम्प्लीमेंट्री साइट ऑन द बैक्टीरियल सरफेस. उसके बाद ये देन अडहेयर टू दैट साइट बाय मींस ऑफ टेल फाइबर. अभी इसका जनरल स्ट्रक्चर है, उन्होंने कहा है कि जो बैक्टीरियोफेज है ना ये एड्सॉर्प्शन, ये हमारे पास उसके सेल वॉल, देन ये तो बैक्टीरिया डीएनए, ये होल एक बैक्टीरियम है होस्ट सेल है, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है. बैक्टीरियोफेज देन एड्सॉर्ब मतलब इनके साथ अटैच होगा आके इसकी सेल वॉल के साथ. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पेनिट्रेशन. जो उसका फेज का डीएनए है वो इंजेक्ट होगा इनटू अ बैक्टीरियल सेल के साथ. टेल ये कैसे इंजेक्ट होगा, वो कहते हैं टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसके बाद द कोर इज ड्रिवन थ्रू द वॉल टू द मेम्ब्रेन. ये प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा पेनिट्रेशन. ये कैसे होगा, ये पेनिट्रेट कर देगा जो होस्ट सेल है, ये हमारे पास पूरा होस्ट सेल है, ये उसका डीएनए है, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है. ये पेनिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा आफ्टर देयर अटैचमेंट. दिस स्टेप इज नाउ एज अ एंट्री द वायरल जीनोम इंटर द होस्ट सेल. मतलब ये वायरल जीनोम इंटर कर देगा होस्ट सेल के थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन. जब ये अब उनकी अटैचमेंट प्रोसेस भी हो गया, इंजेक्शन भी हो गई है, अब उन्होंने मल्टीप्लाई कॉपीज तो प्रोड्यूस करनी है ना, अब वो कैसे करेंगे. उन्होंने कहा इमीडिएट आफ्टर इंजेक्शन वायरल डीएनए देर इज अ प्रोसेस इनिशिएट कॉल्ड अ सेंथेसिस ऑफ अ अर्ली प्रोटीन. अब वे सेंथेसिस करेंगे अर्ली प्रोटीन को. सो दिस प्रोसेस जब वो सेंथेसिस करेंगे अर्ली प्रोटीन को, सो ये प्रोसेस जो होगा ये कहलाएगा हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा. अब जो उन्होंने कहा जो अर्ली प्रोटीन है ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ये इनके क्या फंक्शन है कि वो अर्ली प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. जब उनका अटैचमेंट होगी, जब उसने अपना डीएनए इंजेक्ट करना है, तो वो सेल वॉल को क्या करेगा, सेल वॉल की इरप्शन होगी. सो उन्होंने कहा जो सेल वॉल ब्रेक होगी उसको रिपेयर करेगा एंजाइम रिपेयर द होल इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. मतलब जब उन्होंने अपना डीएनए इंजेक्ट करना है, सो वो सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे, लेकिन जो अर्ली प्रोटीन है सबसे पहले वे सेल वॉल को रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम को जो रिपेयर करते हैं सेल वॉल को. अब जो उन्होंने कहा है कि ये डीएनए एंजाइम होते हैं जो डिग्रेड करते हैं होस्ट डीएनए को. मीन्स अटैचमेंट प्रोसेस हो गया है, पेनिट्रेशन स्टार्ट हो गया, वायरल इन्फेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो ये डीएनए एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे. जो डीएनए एंजाइम होते हैं ये ब्रेक कर देंगे होस्ट सेल के डीएनए को इनटू प्रीकर्सर्स ऑफ फेज डीएनए. अब वो वायरस स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज होंगे डेट विल कॉपी एंड रेप्लिकेट फेज डीएनए. सो कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान हमें सेल एनर्जी जनरेटिंग एंड प्रोटीन सेंसिंग अबिलिटी आर मेंटेन. सो इस प्रोसेस जब ये होगा, इंजेक्शन भी हो गई है हमारे, तो अब ये उन्होंने कहा है कि जो इंजेक्शन हो गई है होस्ट सेल के दौरान, अब उन्होंने डीएनए को मल्टीप्लाई प्रोड्यूस करना है, उसको डीएनए को जो उसका पहला डीएनए था होस्ट सेल को उसको ब्रेक करना है डीएनए एंजाइम के बाद. अब कहते हैं इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी जनरेटिंग और प्रोटीन सेंसिस अबिलिटी मेंटेन करनी होगी. सो कहते हैं इसके रिजल्ट की वजह से सेवरल कॉपीज ऑफ फेज डीएनए हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास लेट प्रोटीन. वो जो हमने पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में फोर्थ स्टेप पे हमने सेंथेसिस की थी वो थी अर्ली प्रोटीन, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होगा अब हमने लेट प्रोटीन सेंथेसिस करनी है. जो लेट प्रोटीन्स होंगे सेवरल रेप्लिकेटेड एंड कॉपीज ऑफ द फेज डीएनए. देन उन्होंने कहा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमने सेंथेसिस करनी है लेट प्रोटीन की. ईच ऑफ द सेवरल रेप्लिकेटेड कॉपीज ऑफ फेज डीएनए कैन नाउ बी यूज फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ सेकेंड सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अ लेट प्रोटीन. अब हमने अर्ली प्रोटीन की क्यों सेंथेसिस की थी, कि जो उनका होल क्रिएट हो गया बैक्टीरियल सेल वॉल में उनको रिपेयर करने के लिए, लेकिन लेट प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है डैट मेक अप द कैप्सोमर्स एंड द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द टेल असेंबली. अब उन्होंने कहा है जो हमारे पास है लाइसोजाइम. लाइसोजाइम हमारे पास क्या है, लाइसोजाइम भी ये टेल लेट प्रोटीन की तरह है. डैट विल पैकेज इन द टेल ऑफ द फेज एंड यूज होते हैं एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग द लास्ट स्टेप ऑफ अ रेप्लिकेशन. ये उस रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करें जब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो गई हैं, अब इसने रिलीजिंग प्रोसेस शो करना है. उन्होंने कहा जो प्रोटीन डैट मेकअप द कैप्सोमर्स असेंबली आर हेड एंड रियल इन कॉपीज ऑफ अ फेज डीएनए. अब उन्होंने कहा जो टेल है ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर है एंड इनकॉर्पोरेट अ बिट ऑफ लाइसोजाइम इन द टेल प्लेट. कहते हैं ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर है, अब ये एग्जाम्पल करेगा कौन कौन से स्ट्रक्चर को, ए बिट ऑफ लाइसोजाइम इन द टेल प्लेट.
नेक्स्ट अब हमारे पास कॉपीज तैयार हो गई हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरल डीएनए तैयार हो गई हैं। अब इन्हें एक एग्जांपल तो करना है ना, हमने इकट्ठा तो करना है कि इकट्ठा करके तरतीब देनी है कि कैसे इन्होंने अपनी ब्रेकेज शो करनी है और कैसे रिलीजिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। उन्हें क्या जो वायरसेज अरेंज देयर एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस व्हाइल द वायरसेज आर असेंबलिंग लाइसोजाइम इज बीइंग प्रोड्यूस एज अ लेट वायरल प्रोटीन। कहते हैं कि जब ये असेंबलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा या असेंबलिंग प्रोसेस होगा तो जो लाइसोजाइम है ये प्रोड्यूस होंगे एज अ लेट वायरल प्रोटीन की। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लेट वायरल प्रोटीन हम क्यों सेंसिस करते हैं, फॉर द स्ट्रक्चर, फॉर द रिपेयर ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन कोट को, कि मतलब ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रोटीन कोट के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि लाइसोजाइम ये शो करेगा एज अ लेट वायरल प्रोटीन। अब हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो T4 पैकेजेस है ए बिट ऑफ लाइसोजाइम इन द बेस ऑफ इट टेल फ्रॉम अ प्रीवियस इन्फेक्शन एंड देन यूज द लाइसोजाइम टू डिग्रेड अ पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये डिग्रेड कर देगा पोर्शन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर इंसर्शन ऑफ द टेल कोर। अब जो उन्होंने कहा जो DNA इज इंजेक्टेड इनटू द पेरिप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियम एंड जनरली इट इज नाउ हाउ द DNA पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन। ये हमारे पास जनरल उसका प्रोफेज फॉर्मेशन है कि प्रोवायरस वायरल DNA इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल। अब उन्होंने कहा जो वायरल DNA इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल क्रोमोसोम्स एज अ होस्ट सेल रेप्लिकेट्स ऑन DNA एंड डिवाइड इटसेल्फ ड्यूरिंग माइटोसिस। मतलब ये उन्होंने वो वाली बात की है जो हमने पहले बात की थी ट्रांसक्रिप्शन वाली, द प्रोवायरस प्रोफेज लीव डोरमेंट इनसाइड द होस्ट सेल अंटिल। अब हमने नेक्स्ट जो प्रोसेस लास्ट हमारा प्रोसेस वो हो गया हमारे पास रिलीजिंग प्रोसेस। जो हमने प्रीवियस ये वाली हमने स्लाइड डिस्कस की है, ये हमारे स्टेप्स असेंबली प्रोसेस के बाद नहीं आती, ये वाली वो वाली स्लाइड है जो उन्होंने इन्फेक्शन अपना पैटर्न स्टार्ट किया है जब उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट की करनी थी। मतलब ये इंजेक्शन वाली पोर्शन है जिसको उन्होंने बाद में डिस्क्राइब किया कि असेंबली प्रोसेस के बाद ये वाला भी हमारे पास जो पैटर्न था ये भी पैटर्न हुआ था। अब हमने देखने की रिलीजिंग प्रोसेस हमारे पास कौन सा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो गई हैं वायरल DNA की, अब वायरल DNA की मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस होगी, अब इन्होंने रिलीज होने फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल। कहते जो लाइफ साइकिल है ये अपनी इसकी इरप्शन करेगा सेल वॉल की, देन ब्रेकेज करने के बाद सेल वॉल की ये सेल वॉल ये रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एंड इन्फेक्ट करने के बाद होस्ट सेल को मतलब ये उनकी लाइसिस कर देंगे। तो कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ टी फेज टेकर 25 to 35 minutes टू कम्प्लीट। मतलब ये अचानक प्रोसेस नहीं होता, इनको कम्प्लीट होने के लिए 25 to 35 minutes ज़रूरत होती है। बिकॉज द होस्ट सेल्स आर अल्टीमेटली किल्ड बाय लाइसिस दिस टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज़ रेफर टू एज अ लाइटिक इन्फेक्शन। कहते हैं ये सारा साइकिल पर कहलाता है हमारे पास लाइटिक इन्फेक्शन या लाइटिक साइकिल। ये उनके पास ये रिलीजिंग प्रोसेस है, रिलीजिंग प्रोसेस के ये कैसे होगा ये यहाँ से ब्रेकेज होने के बाद। अब हमारे पास है जनरल प्रोसेस लाइटिक साइकिल। ये जनरल इमेज है FSC की बुक का जो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाह रही थी कि ये मैं आप लोगों को बता दूँ। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज अटैच होगा होस्ट सेल के साथ, ये है हमारे पास बैक्टीरियल DNA और ये हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। अब वो स्टार्ट करेगा अपना लाइटिक साइकिल, इससे पहले वो ऐड होगा, ऐड होने के बाद वो अपना DNA इंजेक्ट करेगा, मतलब पेनिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद ये अपना जो उसका फेज DNA इनटू द होस्ट सेल और उसके बाद जो बैक्टीरियल DNA होगा, जो बैक्टीरिया का DNA होगा ये उनको तोड़ फोड़ कर देगा, ये इनको डिसइंटीग्रेट कर देगा। उसके बाद ये अपनी सेंथेसिस करने लग जाएगा मल्टीपल कॉपीज को। जब ये मल्टीपल कॉपीज की सेंथेसिस हो जाएगी कंप्लीट, फिर ये शो करेगा कि असेंबली ऑफ अ फेज पार्टिकल। अब ये एग्जांपल होंगे कि इन्होंने एग्जांपल कैसे होना है, देन वो फिर रिलीजिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा बाय द ब्रेकेज ऑफ द सेल वो। जैसे कि जनरल मैंने आप लोग को ये दिखा देती हूँ कि जो मैंने स्टेप्स आप लोग को पहले भी बताएं कि कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, अटैचमेंट, द फेज अटैच टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर।
उसके बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन, जो फेज डीएनए इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल लीविंग द फेज कोट आउटसाइड, ये उन्होंने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उनके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो फेज डीएनए इज ट्रांसक्राइब प्रोड्यूसिंग अ फेज मैसेंजर आरएनए विच इज ट्रांसक्राइब टू अ फेज प्रोटीन। अब उनके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए एंड सेंसेस ऑफ अ प्रोटीन, ये हमारे पास वो उनके डीएनए को सेंसेस करने लग जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा स्टार्ट। उसके बाद ये एग्जांपल करेगा, अब ये देखें ये डीएनए है, ये उसका हेड है, ये उसके बाद उन्होंने टेल स्ट्रक्चर है, अब इनको एग्जांपल भी तो करना है, ये ना सोचिएगा कि ट्रैक डीएनए से उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, नहीं, उसके स्ट्रक्चर तैयार होने के लिए वो इनको पार्ट्स के फॉर्म में तैयार करेगा। मीन्स कैसे, ये उसका हेड है, ये उसका डीएनए है, ये उसका टेल स्ट्रक्चर है, मतलब अब इन सबको तो एग्जांपल करके बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर तो उसने बनाना है, ये है पूरा एग्जांपलर प्रोसेस। मीन्स एम्प्टी हेड, ये हमारे पास एम्प्टी हेड, उसके बाद डीएनए इसके इनसाइड जाएगा, ये कंप्लीट फॉर्मेशन होगी, उसके बाद पिंस अटैच होंगी, ये उसके बाद ये वाला प्रोसेस, उसके बाद ये कहते हैं ये वाली हमारे पास पिंस ऐसे अटैच होंगी इसके साथ, ये उसके साथ टेल बनेगी, ये टेल फाइबर्स है प्लस टेल फाइबर्स अटैच होंगे, अटैच होने के बाद ये पूरा बैक्टीरियोफेज हमारे पास बनेगा, फिर जब बनने के बाद रिलीज होगा, ये बताना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा ये पूरा हमारे पास है लाइटिक साइकिल, इसलिए मैंने एंड पे ये इमेज आप लोगों को शो करवाया कि पूरा साइकिल इससे एक्सप्लेन हो जाए। मीन्स फर्स्ट अटैचमेंट, देन पेनिट्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब हो गए हैं, उसके बाद फिर ये हमारे पास रेप्लिकेशन हो गए, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होंगे डीएनए के, एग्जांपल कौन सी चीज़ होगी, इसका जो स्ट्रक्चर्स होंगे ये एग्जांपल होगी, ये वाला स्ट्रक्चर शो करेंगे, फिर ये वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने के बाद ये रिलीजिंग प्रोसेस शो करेगा, और ये कैसे ब्रेक होगा, ये उसकी सेल वॉल है, सेल वॉल ब्रेक करेगा, फिर ये सारा अपने लाइसिस शो करके बाहर अपने निकल जाएगा दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। अभी हमारे पास लाइटिक साइकिल कम्प्लीट हो गया, अब हमने देखना है कि लाइसोजेनिक साइकिल कौन सा है। कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल को हम टेम्परेट इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल होस्ट है। अब जो लाइसोजेनिक वायरसेस होते हैं ये कौन से होते हैं, ये लैम्डा होते हैं, विच इनफैक्ट इक्वलाई हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी देन लाइटिक वायरसेस फॉर देयर रेप्लिकेशन। अब उन्होंने कहा जो जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द लाइसोजेनिक साइकिल में वो कौन से होते हैं। उन्होंने कहा है कि आफ्टर पेनिट्रेशन जो होती है, अब ये पेनिट्रेशन प्रोसेस जैसे कि वो हमारे पास लाइसिस साइकिल का था, ये पेनिट्रेट कर देगा अपना डीएनए सेल के अंदर। उन्होंने कहा आफ्टर पेनिट्रेशन जब वायरसेस डीएनए जो होंगे ना वो इंटीग्रेट हो जाएंगे हमारे पास इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। उन्होंने कहा फिर वे रेप्लिकेट होंगे, रेप्लिकेट होने के बाद एवरी टाइम द सेल डुप्लीकेट्स क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब पहले अटैच होगा, फिर पेनिट्रेट होगा, फिर उसके बाद ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्रोमोसोमल डीएनए ड्यूरिंग अ नॉर्मल सेल डिवीजन। अब उन्होंने कहा जो टेम्परेट वायरसेस हैं ये किल नहीं करते, डू नॉट किल द होस्ट बैक्टीरियल सेल, पर जो मेजर डिफरेंस हमने रीड आउट किया था उसमें लाइसिस में, कि लाइसिस में ये किल कर देते हैं होस्ट सेल को बाय द टेक ऑफ देयर मशीनरी, तो लेकिन ये इनमें लाइसोजेनिक साइकिल में ये किल नहीं करते होस्ट सेल के बैक्टीरियल, मतलब जो ये किल नहीं करते होस्ट सेल को, देयर क्रोमोसोम बिकम इंटीग्रेट इनटू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द होस्ट सेल। उसके बाद कहते हैं कि सच फेज डीएनए इज कॉल्ड अ प्रोफेज, कहते जो ये वाला डीएनए होता है ना, जो उनके डीएनए के स्पॉन्टेनियस इंडक्शन हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। इन द प्रोफेज स्टेट ऑल द फेज, अब वो प्रोफेज उन्होंने किस चीज़ को कहा है, द प्रोफेज स्टेट ऑल द फेज जीन्स एक्सेप्ट वन आर रिप्रेस्ड, मतलब कहते हैं एक के अलावा बाकी सारे उनमें रिप्रेस्ड होते हैं। कहते हैं नन ऑफ द यूजल अर्ली प्रोटीन और स्ट्रक्चर प्रोटीन आर फॉर्म, हमने लाइसिस में क्या पढ़ा था, उनमें होता था अर्ली प्रोटीन और लेट प्रोटीन हमारे पास फॉर्म्ड होती थी, जो हमारे पास अर्ली प्रोटीन जो हमारे पास होती थी वो उनको रिपेयर करती थी स्ट्रक्चर में जो ब्रेक की जा जाती थी, और जो हमारे पास लेट प्रोटीन थी वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी, हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थी प्रोटीन का। लेकिन उन्होंने कहा जो प्रोफेज है इसमें आती है कि पहले अटैचमेंट हुई, फिर उनके बाद पेनिट्रेशन हुई, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये होस्ट सेल को डेथ नहीं इनके कॉज करेंगे। कहते हैं ये प्रोफेज करेंगे, कहते हैं डीएनए जो होता है ये एक फेज में होता है, इसे कहते हैं प्रोफेज। इन द प्रोफेज स्टेट ऑल द फेज जीन, वो कहते हैं कि ऑल द फेज जीन जो इनमें फेज के जीन्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सेप्ट वन आर रिप्रेस्ड, सारे जीन रिप्रेस्ड होते हैं। कहते हैं कोई हमारे पास अर्ली प्रोटीन और स्ट्रक्चर प्रोटीन फॉर्म नहीं होते। कहते हैं जो फेज जीन होते हैं ये जो हमारे पास, उन्होंने कहा कि फेज जीन प्रोड्यूस होते हैं, एक जीन रिप्रेस्ड होते हैं,
फ्यूएल जिन प्रोड्यूस होते हैं डेट इज़ एक्सप्रेस्ड इज एन इम्पोर्टेंट. कि क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? बिकॉज इट कोड फॉर द सेंसेस ऑफ द रिप्रेसर मालिक्यूल डेट प्रिवेंट द सेंसेस ऑफ अ फेज एंजाइम एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द लाइटिंग साइकिल. अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि क्यों वो लाइटिंग साइकिल शो नहीं करता. बिकॉज प्रोफेज में वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो जीन को रिप्रेस्ड करते हैं. बाकी सारे इनमें एक्सप्रेस्ड होते हैं जीन्स. जो जीन्स एक्सप्रेस्ड होते हैं वो क्या काम सर अंजाम देते हैं? बिकॉज इट कोड फॉर द सेंसेस ऑफ अ रिप्रेसर मालिक्यूल. वो रिप्रेसर मालिक्यूल क्या काम सर अंजाम देते हैं? वो प्रिवेंट करता है सेंसेस ऑफ अ फेज एंजाइम एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द लाइटिंग साइकिल. फेज एंजाइम कौन से उन्हें लाइटिंग साइकिल में हमने पढ़ा था? लाइसोजाइम. अब उन्हें कहा ये सेंसेस इफ द सेंस ऑफ द रिप्रेसर मालिक्यूल स्टॉप. कि अगर अब ये तो होता है कि अगर ये ना होंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. नहीं, अगर ये रिप्रेसर जो मालिक्यूल होंगे ये स्टॉप हो जाए, ये एक्सप्रेस ना हो, सो कहते हैं बिकम इनएक्टिव. तो जो इंजाइम होते हैं इनकोड करते हैं प्रोफेज को सेंसेस को. ये एक्साइज द वायरल DNA फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. तो कहते हैं ये बैक्टीरिया ये एक्साइज DNA कैन नॉट बिहेव लाइक अ लाइटिंग वायरसेस. मतलब अगर ये जो हमारे पास प्रोफेज के दौरान जीन्स है वो एक्सप्रेस ना होंगे तो फिर वो कहते हैं कि एक्साइज कर लेंगे DNA को, काट लेंगे या फिर निकाल लेंगे DNA को. और जब वो निकालेंगे जो वो सेल, फिर वो जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास आएगा वो बिहेव करेगा लाइटिंग वायरसेस के तौर पर, जो प्रोड्यूस करेगा न्यू वायरल पार्टिकल. सो डैट्स वाई the major difference between the lysogenic and the lytic cycle is that of a DNA replication. वो कहते हैं कि this spontaneous depression is a rare event occurring about 1 in 10,000 region of a lysogenic bacterium, but it assured that new phages are formed which can proceed to infect other cell. सो जो उन्होंने कहा है कि लाइसोजेनिक साइकिल है ना, ये लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिंग साइकिल में फिर ये डिफरेंस है जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें रिप्रेसर जीन का. तो सबसे पहले मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ लाइसोजेनिक साइकिल में. लाइसोजेनिक साइकिल में सिंपल वैसे अटैचमेंट होगी, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रोफेज होगी. जो प्रोफेज में जनरल जो जीन्स है वो इंकोड करेगा, वो जीन्स इंकोड करेगा सिर्फ वन जीन रिप्रेस होगा. इसमें लेट प्रोटीन अर्ली प्रोटीन के सेंसेस नहीं होगी. जो कहते हैं जीन एक्सप्रेस करेगा वो क्या काम सर अंजाम देंगे? वो बिकॉज इट कोड फॉर द सेंसेस ऑफ रिप्रेसर मालिक्यूल कर देंगे. ये कर रोकेंगे सेंसेस को, फेज एंजाइम को एंड प्रोटीन को. लेकिन अगर रिप्रेसर जीन जो हमारे पास है रिप्रेसर मालिक्यूल अगर जो स्टॉप हो जाए, सो ये जो रिप्रेसर मालिक्यूल अगर ये स्टॉप हो जाए तो ये एक्साइट कर देगा वायरल DNA को. ये बिहेव जो फिर जो एक्साइट करेगा वायरल DNA को, ये DNA बिहेव करेगा लाइक अ लाइटिंग वायरसेस डैट इज प्रोड्यूस अ न्यू वायरल पार्टिकल. सो उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास पूरा एक लाइसोजेनिक साइकिल है. अब हम देखेंगे दोनों साइकिल्स में कौन कौन सा डिफरेंस और कौन कौन सी चीज़ें हैं मेजर. सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइसोजेनिक साइकिल हमारे पास किस तरह शो करेगा, क्योंकि मैंने पहले पिक से आपको लोगों को लाइटिंग साइकिल तो डिस्क्राइब कर दी है. सबसे पहले हमारे पास वाइट होस्ट सेल का DNA है, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है. ये बैक्टीरियोफेज अपना DNA इंजेक्ट करेगा. DNA इंजेक्शन के बाद ये हमारे पास पहले उन्होंने क्या अटैच करेगा, फिर उसके बाद ब्रेक उसको करेगा DNA इंजेक्ट करेगा, उसके बाद ये हमारे पास पेनिट्रेशन होगी, इंजेक्शन होगी ये DNA की. अब जो DNA है ये होस्ट सेल के DNA से मिल जाएगा ये ऐसे हमारे पास, उसके बाद ये इनको हो जाएगा ये इसकी जो दरमियान में से ये डबलिंग फॉर्म में हो जाएगा, ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर शो करेगा. ये उसके बाद ये टू स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाएगा. ये सबसे पहले इनके साथ अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट जस्ट लाइक दैट होगा. फिर उसके बाद ये पेनिट्रेशन करेगा, पेनिट्रेट हो गया, इंजेक्ट हो गया, उसके बाद ये होस्ट सेल के DNA के साथ मिल जाएगा. उसके बाद DNA के साथ मिलने के बाद ये दरमियान में से पिंच ऑफ हो जाएगा. दरमियान से पिंच ऑफ होने के बाद ये मल्टीपल कॉपीज में, मतलब ये पूरे दो स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाएगा. लेकिन जो होस्ट सेल की मशीनरी है ये वो इनकोड नहीं करेगी मैसेज जो नॉर्मल होस्ट सेल का DNA इनकोड करेगा. ये वायरल फंक्शन शो करेगी, मतलब वायरल मैसेज इनकोड करेगी. ये हमारे पास पूरा लाइसोजेनिक साइकिल है. अब हमने देखना है कि जो हमारे पास कंपेरिजन इनमें क्या है, कि कंपेयर द हमने करना है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल. अब हमने कंपैरिजन देखना है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में, कि इनका कंपैरिजन हमने कैसे शो ऑफ करना है. अब ये ऊपर वाला हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है लाइटिक साइकिल और ये हमारे पास है लाइसोजेनिक साइकिल. सब
सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, ये हमारे पास होगा यहाँ से कि फर्स्ट स्टेप होगा इनके साथ अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट होने के बाद ये उनके साथ मिल जाएगा होस्ट सेल के DNA के साथ, होस्ट सेल के DNA के साथ मिलने के बाद ये कौन सा फंक्शन शो करेगा, फिर उसके साथ इरप्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा होस्ट सेल के DNA को, उसके बाद ये मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। जब मल्टीपल कॉपीज़ इनकी प्रोड्यूस किया होस्ट सेल के DNA को इरप्ट किया है इसने, इसको ब्रेक किया है, ब्रेकेज के बाद ये मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो इसके स्ट्रक्चर्स होंगे वो एग्जांपल होंगे कि टेल फाइबर्स कहाँ पे अटैच होनी है, इसके बाद हेड कहाँ पे होना है, वायरल DNA कौन सा होगा, क्योंकि सारे तो ये एक ही स्ट्रक्चर शो नहीं करते, कुछ इनमें से एम्प्टी भी होते हैं कि इनमें हेड जो इनके पास कैप्सूल्स है उनमें वायरल DNA नहीं होता, लेकिन कुछ बाकी मेजोरिटी में वायरल DNA होता है। सो इनको एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल करने के बाद कंप्लीट इनका जो बैक्टीरियोफेज होंगे मल्टीपल कॉपीज़ में प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद ये सेल वॉल से ब्रेक होने के बाद, मतलब सेल के लाइसिस होने के बाद ये सेल से निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर वही सेम प्रोसेस लाइटिंग साइकिल वाला उन्होंने शो किया है कि यहाँ पे आने के बाद उनके सेल के साथ मिल गया है, वो सेल के DNA के साथ मिल गया। अब उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले वो सेल के DNA के साथ मल्टीप्लाई, मतलब उनके साथ कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद दरमियान में से पिंच ऑफ होने, उन्होंने कहा है कि ये मल्टीपल कॉपीज़, दो कॉपीज़ उसने प्रोड्यूस करनी है कि वायरल DNA ने, जो होस्ट सेल का DNA वो वाला फंक्शन अब शो ऑफ नहीं करेगा जो उसका है, अब वो वायरल फंक्शन शो ऑफ करेगा। सो दरमियान में से जो उन्होंने कहा है कि अब ये दरमियान में से पिंच चौक हो जाएगा और टू फॉर्म्स में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास पूरा इसका स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पूरा इसका लाइटिंग और लाइसोजेनिक साइकिल है। देन थैंक यू।